जिसकी वजह से इन तीनों की प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रेड एंड मैट ब्लैक विथ गोल्डन अलॉयज, जो कि यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है, और ये रहा वाइट वाला। सो ये आपका क्विक शिफ्टर की पूरी असेंबली यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाती है। अब क्विक शिफ्टर वाले वेरिएंट्स की, जो यानी कि तीन कलर ऑप्शन की प्राइस आपकी सेम रहेगी। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो आज का अपना ये रहेगा। आज अपन लोग बात करने वाले हैं यामा R15 V4 के ऑल कलर ऑप्शंस के बारे में, यानी कि सारे ही कलर ऑप्शन V4 2024 वाले, यानी कि अपडेटेड कलर ऑप्शन आज अपने पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना अगर R15 V4 या फिर R15 सीरीज़ की कोई भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो। प्राइसिंग में क्या डिफरेंस रहता है, क्या कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग फीचर्स में डिफरेंस रहता है, वो चीज़ें भी अपन लोग आज कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहले बात करते हैं कलर ऑप्शन टोटल कितने अवेलेबल रहते हैं R15 V4 में। तो टोटल 5 कलर ऑप्शन V4 में अवेलेबल रहते हैं। थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइस आएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ये बाइक्स ना अभी काफ़ी डिमांडेड है और काफ़ी सारी है ना, सब कुछ ही कह सकते हैं डिलीवरी के लिए रेडी भी है। स्पेशली ये वाला कलर वीडियो शूट करते ही ये डिलीवर हो जाने वाली है। तो टोटल 5 कलर ऑप्शन में V4 अवेलेबल रहने वाली है। R15 सीरीज़ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा टॉप एंड R15M, सिंगल कलर में ही R15M अवेलेबल रहता है। यहाँ पे 5 कलर ऑप्शन रहते ही ये हो जाता है अपना मिड वेरिएंट R15 सीरीज़ में। एंड यहाँ पे है स्टार्टिंग वेरिएंट जो कि R15 सीरीज़ का रहता है, R15 V3S, दो कलर ऑप्शन में V3S अवेलेबल रहता है। ये रहा V3S का ब्लू। अब पहले अपन लोग बात करते हैं कि क्या कुछ एक कलर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस रहेगा R15 V4 लाइनअप में। सो पांच में से टोटल 3 कलर ऑप्शन में आपको मिलेगा क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड, जो कि क्विक शिफ्टर मिलता है अपने को R15M में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्विक शिफ्टर की प्रॉपर स्टिकरिंग भी रहती है और क्विक शिफ्टर वाला एक यूनिट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये M में क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड मिलता है, और V4 के 5 में से 3 कलर ऑप्शन में क्विक शिफ्टर आपको स्टैंडर्ड मिलता है। अदर 2 कलर ऑप्शन में आप लोग क्विक शिफ्टर को एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज लगभग 6,000-6,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके क्विक शिफ्टर यहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हो। और क्विक शिफ्टर के साथ ना काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आपको मिलेगा, क्योंकि इस बाइक को मैं राइड अभी रिसेंटली ही किया था, तो क्विक शिफ्टर का रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। सो एक तो ब्लू में, मैट ब्लैक मैजेंटा में, और वाइट में, वाइट अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये रहा आपका क्विक शिफ्टर वाली असेंबली। सो क्विक शिफ्टर ये आपका रहता है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वाला। सो ये अपना क्विक शिफ्टर की पूरा असेंबली है। ये आपको एज स्टैंडर्ड मैजेंटा, मैट ब्लैक और ब्लू में एंड वाइट में क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड मिलता है, जिसकी वजह से इन तीनों की प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू रेड एंड मैट ब्लैक विथ गोल्डन अलॉयज, जो कि यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है। और ये रहा वाइट वाला। सो वाइट में भी आपको क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड ही मिलेगा। वाइट के साथ आते हैं ऑरेंज अलॉयज स्टिकरिंग, कुछ इस टाइप से। अभी बाकी के कलर्स की भी स्टिकरिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑरेंज वाला हाईलाइट आ जाता है R15 V4, और रियर फेयरिंग पे ये अच्छा सा स्टिकर आ जाता है। अगर ये रिमूव आप लोग कर देते हो तो एक प्रॉपर फुल कम्प्लीटली वाइट वाला लुक यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। क्विक शिफ्टर इस कलर में भी रहेगा, जो कि आपका ये रहा, यहाँ से ज़्यादा रहेगा दिखने का, एक विजिबल रहेगा। सो ये आपका क्विक शिफ्टर की पूरी असेंबली यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाती है। अब क्विक शिफ्टर वाले वेरिएंट्स की, जो यानी कि 3 कलर ऑप्शन की प्राइस आपकी सेम रहेगी, 2.30, 2,30,000 ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा। वाइट वाला, ब्लू वाला एंड मैजेंटा और मैट ब्लैक वाला। अब ये रहता है अपना जो मैट ब्लैक विथ गोल्डन अलॉयज। अब यहाँ पे ये देख सकते हो कोई भी क्विक शिफ्टर यहाँ पे नहीं है, ये एक सिंपल अपना एक प्रॉपर खाली स्पेस है। सो क्विक शिफ्टर मैट ब्लैक मैजेंटा में एंड रेड में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। अब इस टाइप से कुछ इस कलर का ओवरव्यू आपका रहेगा। गोल्डन अलॉयज यहाँ पे आ जाते हैं, और स्टिकरिंग यहाँ पे गोल्डन वाला यूज़ तो है ही और मैट ब्लैक वाला यूज़ भी है। सेंटर वाला पार्ट फ्यूल टैंक का भी अपना ग्लॉसी ब्लैक में ही रहेगा। तो कुछ इस टाइप से ही आपका ओवरव्यू रहता है मैट ब्लैक और गोल्डन वाले कलर थीम का। ऑन रोड जयपुर की प्राइस आपकी इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन की रहने वाली है 2.25, 2,25,000 ऑन रोड जयपुर। अब 1, 2, 3 और एक ब्लू वाला अपने हो जाते हैं 4 कलर ऑप्शन। अब पांचवा कलर कौन सा है, पांचवा अपना रहने वाला है रेड वाला, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए अपने पास अवेलेबल नहीं है। सो इस टाइप से ये अपने हो जाते हैं 5 कलर ऑप्शन। रेड की बात करते हैं तो रेड में आपको जो स्टिकरिंग रहेगा वो थोड़ा सा ऑरेंज और येलो वाला टोन आ जाता है। रेड पहले भी आया करता था, बट रेड का अब न्यू शेड आ चुका है पहले वाले को रिप्लेस करके, और ये तो है ही। ये कलर किसे किसे पसंद है ना भाई, कमेंट में ज़रूर से बताना। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा ये कलर लगा, और मैट ग्रे, मैट सिल्वर, मैट ब्लैक वाला टोन ना इससे भी आ रहा, और क्रोम काफ़ी एक अलग ही यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। अलॉयज तो खैर
ये ही स्टिकरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग है और फ्रंट मडगार्ड भी आपका ग्लॉसी ब्लैक में ही है, 2,30,000, 2,30,000 और रेड वाला अपना, सॉरी वाइट वाला 2,30,000। रेड वाला रहेगा सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट आपका V4 लाइनअप में 2.24, 2,24,000 के साथ। और ये रहा अपना रेसिंग ब्लू, यहाँ भी क्विक शिफ्टर है, स्टैंडर्ड मिल जाता है, अलॉयज हैं ग्लॉसी ब्लू में, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सभी कलर ऑप्शंस का, सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट करना, सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। स्टिकरिंग कुछ इस टाइप से, ब्लैक वाला यूज़ भी है, मैट ब्लैक है ये, और ब्लू अपना बेसमेंट है ही, ये वाला पार्ट आपका जाता है पूरा मैट ब्लू स्टोन में, जो कि काफ़ी अच्छा एक डेनिम ब्लू टाइप लुक है, और ब्लू का ही एक अदर शेड भी यहाँ पे अपना आ जाता है। और रियर से वही अपना ग्लॉसी ब्लू वाला ही, और ये रहा आपका वाइट वाला टच, छोटा सा स्टिकरिंग का, क्रोम में यामा का लोगो जाता है, और फ्यूल टैंक पे ये एक सिंगल टोन में ही रहेगा, यानी कि सेंटर वाला पार्ट भी आपका उसी बॉडी कलर में ही ये रहने वाला है। सो ये रहा अपना ब्लू, मुझे ये पसंद आया, आप लोगों को कौन सा पसंद है कमेंट करके ज़रूर से अपना ओपिनियन देना, या फिर वाइट वाला भी एक अच्छा कलर रहता है, वैसे कलर ऑप्शन सारे ही अच्छे हैं, बट एक अगर चूज़ करना हो तो मैं चूज़ करूँगा ये वाला कलर ऑप्शन। सो इसी के साथ ये हो जाते हैं जी अपने सारे R15 V4 के कलर ऑप्शंस कंप्लीट। कमेंट करके ज़रूर से बताना, मत बोलना, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, रोज़ रात 9 बजे अपने चैनल पे वीडियो आता ही है, डेली सैटरडे संडे 2 वीडियो पर डे, सुपर संडे सुपर सैटरडे अपन लोग मानते हैं। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल कर लेना, करते हैं वीडियो को एंड, और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे कल रात 9 बजे, तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।